करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के किस शहर में श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पहले चरण का लोकार्पण किया है? गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या। इसका करेक्ट आंसर बी होगा, वाराणसी। ये जो है 13 दिसंबर को हुआ है। वाराणसी यूपी में है और यूपी की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ के मुख्यमंत्री जो हैं श्री आदित्यनाथ योगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया की पहली 100% कागज रहित सरकार होने की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर होगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना को हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हरियाणा। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धावी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष ने हाल ही में शिकायतों के प्रबंधन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है, वे वर्तमान में किसके उपाध्यक्ष हैं? लोकपाल, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ग्रिड ट्राइब्यूनल, लॉ कमीशन। इसका करेक्ट आंसर ये होगा, लोकपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 12 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने किस अरब देश की पहली ऐतिहासिक यात्रा की है? इसका करेक्ट आंसर होगा यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थाईलैंड में एशियाई रोइंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 4, 5, 6, 7। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 6 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलेजांद्रो सिमकांस मार्टिन भारत में किस देश के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? ब्राजील, स्पेन, क्यूबा, ग्रीस। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, क्यूबा। क्यूबा का कैपिटल ध्वाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस किस दिन मनाया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 12 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना की? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। इसका करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 13 दिसंबर को वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के किस चरण का उद्घाटन किया? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में प्रकाशित किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका, जापान और चीन के बाद भारत का एशिया देश सबसे शक्तिशाली देश है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका करेक्ट आंसर डी होगा, चौथा। भारत चौथा सबसे शक्तिशाली देश है। हाल ही में संसद में सीबीआई निदेशक के कार्यालय को अधिकतम कितने साल तक बढ़ाने के विधेयक पारित किए? 2, 3, 4, 5। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोगेसी विधेयक 2019 को जो हाल ही में संसद से पारित हुआ है, उसके हिसाब से कम देश के लिए कानूनी रूप से विवाहित केवल भारतीय जोड़े ही सरोगनी का विकल्प चुन सकते हैं? 3,
साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन जिसका थीम न्यू अर्बन इंडिया है, वहाँ वह कहाँ आयोजित हुआ? इसका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली, कोची, कोलकाता, वाराणसी। यह वाराणसी में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की दिग्गज कंपनी सलेन ने भारतीय मूल की लीना नायर को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? लीना नायर को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी ने किस अखबार के मोहित जैन को अपना अध्यक्ष चुना है? किस अखबार ने अपना अध्यक्ष चुना है? नवभारत, द इकोनॉमिक्स टाइम, अमर उजाला, दैनिक जागरण। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, द इकोनॉमिक्स टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2021-23 के दौरान विदेशी उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए कितने देशों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 2, 3, 4, 5। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस नक्सल प्रभावित राज्य ने माओवादी प्रभावित जिले में सहाय योजना शुरुआत की है? झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। का करेक्ट आंसर यह होगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2021 के लिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? जो बिडेन, एलन मस्क, जेफ बेजोस, नरेंद्र मोदी। एलन मस्क। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? क्यूबा, जर्मनी, अमेरिका, स्वीडन। इसका करेक्ट आंसर सी होगा, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विजय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? भारत में विजय दिवस प्रतिदिन किस वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 15, 16 दिसंबर, 17, 18 दिसंबर। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 16 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन शक्ति लिविंग लैब लॉन्च करने के लिए किस राज्य ने UNCDF के साथ समझौता किया है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। का करेक्ट आंसर सी होगा, ओडिशा। स्वदेशीकरण के प्रयासों में सुधार के लिए डेस ने IAF के साथ समझौता किया है? IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर। इसका करेक्ट आंसर यह होगा IIT दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जल्द ही देश का डेस रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है? 3, 4, 5। कितने रनवे वाला? 4 रनवे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने पणजी, गोवा में भारत अंतर्राष्ट्रीय विमान महोत्सव डेस संस्करण का उद्घाटन किया है? ये जो संस्करण हुआ, ये कितना संस्करण था? 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, ये था 7वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस दिन मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर। इसका करेक्ट आंसर सी होगा, 15 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और देश ने समुद्री विज्ञान और पारिस्थितिकी में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? वियतनाम, मंगोलिया। इसका करेक्ट आंसर ये होगा, वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विश्व मामलों की परिषद और देश द्वारा संयुक्त रूप से 8वीं हिंद महासागर वार्ता आयोजित की है? विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, विदेश मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 24 नई खदानों सहित 99 कोयले खदानों की नीलामी की चौथी किस्त को लॉन्च किया है? पर्यावरण, भूपेंद्र,
पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव, बिजली मंत्री आरके सिंह, कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी। हाल ही में किस राज्य की मनोहरी गोल्ड टी 1,00,000 रुपये प्रति किलोमीटर नीलम हुआ और इस टी ने रिकॉर्ड बनाया। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेटा एनालिटिक्स कंपनी यूगोव द्वारा किस किए गए एक सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रशंसित पुरुषों की सूची में किस स्थान पर है? इस स्थान पे है 10वें, 8वें, 12वें, 9वें। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 8वें स्थान पे। हाल ही में विश्व अरबी भाषा दिवस किस दिन मनाया गया? हाल ही में विश्व अरबी भाषा दिवस किस दिन मनाया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 18 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 18 दिसंबर। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 18 दिसंबर। हाल ही में व्हाट्सएप ने भारत के कितने गांवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है? 500, 2.5 लाख, 1,000, 5 लाख। इसका करेक्ट आंसर ए होगा, 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर भारत, ईरान और देश की बैठक आयोजित की गई। उल्वेजिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान। इसका करेक्ट आंसर यह होगा उल्वेजिस्तान। भारत की डेस भारत में BMW के मोटरसाइकिल ब्रांड के साथ इलेक्ट्रिक वाहन विकसित करने का समझौता किया। बजाज, हीरो मोटर, टीवीएस मोटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका करेक्ट आंसर सी होगा, टीवीएस मोटर्स कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने असम स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 112 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ADB, वर्ल्ड बैंक, IMF, ब्रिक्स बैंक। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ADB। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर देश कितना करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? कितना दिया है? 21 वर्ष करने की मंजूरी दी है। इंटरनेशनल मर्चेंट्स डे, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस इस दिन मनाया जाता है। 13 दिसंबर, 15 दिसंबर, 18 दिसंबर, 17 दिसंबर। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 18 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहायता पर डेस संधि को मंजूरी दी है। स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, नॉर्वे। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पूर्व क्रिकेटर डेस को SJFI मेडल 2021 से सम्मानित किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, सुनील गावस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसने 50वें विजय दिवस पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसद ने ED प्रवर्तक, ED निदेशक के कार्यालय को अधिकतम कितने साल तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? 2, 3, 4, 5, 5 साल तक बढ़ाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित ऊर्जा के लिए किस भारतीय निजी कंपनी ने
SECI सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 4667 मेगावाट की आपूर्ति के लिए समझौते किए हैं। टाटा, रिलायंस, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जिंदल पावर, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाका में जारी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी के पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने किस देश को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया? श्रीलंका, पाकिस्तान, मलेशिया, जापान, इसका करेक्ट आंसर बी होगा पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिमनास्ट सिमोन बाइल्स को टाइम पत्रिका द्वारा 2021 एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है, वह किस देश की जिमनास्ट हैं? अमेरिका, केन्या, यूके, यूक्रेन, इसका करेक्ट आंसर यह होगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के रूप में तमिल थाई वर्गों की घोषणा की है? तमिलनाडु, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उनमें से किस देश ने अपने राष्ट्रीय दिवस पर पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदल पेलजी खोरलो प्रदान किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा म्यांमार, भूटान, नेपाल, कंबोडिया, इसका करेक्ट आंसर होगा भूटान। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।